नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। संघ 100 साल पूरे करने जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष में भाजपा की पराजय 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संघ के दिल पे लग गई। खासकर चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा यह कहना कि अभी हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये संघ को और एक सदमा दे गया। जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद एक भाजपा का जन्म हुआ, उसमें चाल, चरित्र, चेहरा, सामूहिक संगठन, सामूहिक नेतृत्व, ऐसी कई बातें सामने आई और इसी के बलबूते खुशाभाऊ ठाकरे की अध्यक्षता में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। केंद्र में भाजपा भी सरकार बना सकती है भले ही बैसाखियों के भरोसे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, ऐसा संघ को भी लगा और ये निरंतर प्रयास चलता रहा। आगे 2014 में लगातार दो बार पराजय का मुंह देखने के बाद भाजपा ने एक नया नेतृत्व एंडोर्स किया जिनका नाम नरेंद्र मोदी था। उन्हें लगा कि मोदी जी एक विकास की गाथा देश को बताएंगे, गुजरात को एक मॉडल सामने रखेंगे और जिस हिसाब से लगातार गुजरात में वो सत्ता में बने रहे वैसे ही एक नेतृत्व देश को मिलेगा। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पहली बार भाजपा को मोदी जी के नेतृत्व में 277 सीटें मिली जो अपने बलबूते पे सरकार बनाने में जरूरी थी, भाजपा की अपनी खुद की पहली सरकार 2014 में। हालांकि वो एनडीए की सरकार ही कहलाएगी क्योंकि जो गठबंधन के सहयोगी थे उन्हें टोकनिज्म के नाम पे कुछ मंत्रालय देकर एक खानापूर्ति की। 2014 में ये भाजपा की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही। 2014 से 19 तक कई ऐसे मोदी जी ने काम किए, उनकी काम करने की शैली कहीं ना कहीं सेंट्रल्ड थी, खुद पे निर्भर थी। मोदी एक व्यक्ति के रूप में आगे लाए जा रहे थे, पार्टी में उन्होंने एक कोटरी बनाई थी और धीरे धीरे उस संगठन पे हावी होते जा रहे थे। 2019 में जब 300 पार भाजपा को मिली तो उसके बाद वो मोदी की सरकार हो गई और फिर संगठन पूर्ण रूप से सत्ता के दरबार में गुलाम बन के खड़ा हो गया। जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती है, चाहे भाजपा हो गई चाहे वामपंथी दल हो गए, यह हमेशा संगठन बड़ा माना जाता है और बाकी चीजें संगठन के सामने गौण होती है। पहली बार भाजपा का कांग्रेसीकरण होते हुए दिखाई दिया और एक मोदी के इर्द गिर्द चीजें घूमने लगी। 2024 आते आते ये सरकार अमित शाह की हो गई और संगठन एक रबर स्टैम्प घोषित हो गया। याद कीजिएगा महाराष्ट्र का वो मसला जब शिवसेना तोड़ी गई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलके ही मुंबई गए और उन्हें ये बताया गया क्योंकि ये लीगल मामला फंस सकता है तो मुख्यमंत्री पद हम शिंदे को देंगे और बीजेपी बाहर से समर्थन करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अनाउंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र फडणवीस जब तक अपने घर जाते तब तक टेलीविजन पे एएनआई के रिपोर्टर को बुलाकर जेपी नड्डा ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि भाजपा सरकार में शामिल होगी
और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस को यह बहुत ताज्जुब की बात लगी कि एक मुख्यमंत्री रहने वाला आदमी उप मुख्यमंत्री कैसा बनेगा। उन्होंने जब नड्डा जी से बात की तो नड्डा जी ने कहा मैं क्या करूं, ऊपर से आदेश है। पार्टी के अध्यक्ष की स्थिति यह हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि उन्हें पता नहीं था कि सत्ता में हम रहेंगे या सत्ता के बाहर रहेंगे। बीजेपी ने संगठन की हालत ये कर दी। पार्टी के महासचिव ऐसे लोग थे जो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड बना, वो हास्यास्पद बना। टोकनिज्म के नाम पे येदुरप्पा को रखा। बाकी जिसको हम फूके हुए कारतूस बोलते हैं, या तो वो थे या वो लोग थे जिन्हें ये भी मालूम नहीं था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मायने क्या है। बाद में और आगे जाकर नेशनल एग्जीक्यूटिव ने एक प्रस्ताव पारित किया और अमेंडमेंट किया भारतीय जनता पार्टी के घटना में या संविधान में कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का चुनाव जीत के नहीं आएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इससे ज्यादा लचर संगठन की हालत शायद कभी भाजपा या संघ ने सोची नहीं होगी। 2024 के चुनाव मोदी जी ने अपने नाम पे लड़े, मोदी जी के गारंटी पे लड़े, मोदी जी के सरकार के लिए लड़े, मोदी जी के चेहरे पे लड़े। लेकिन फिर 240 पे जब मोदी जी अटक गए तो मोदी जी को समझ में आ गया कि संगठन और संघ के बगैर वो कुछ भी नहीं। आज मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार वाले मोदी लगातार एनडीए की सरकार कहते हैं। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना, अधूरे मंदिर में सिर्फ चुनाव के चलते, चुनाव में कैश करने के लिए अधूरे मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठित किया, लोगों को बदनाम किया गया जो गए नहीं इस आधे अधूरे कार्यक्रम में, शंकराचार्य तक नहीं गए, उन्हें तक गालियां दी गई। संघ को भी लगा कि नहीं बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं इन दो गुजरातियों पे नकेल डालनी हो। संघ चालक का वो वक्तव्य, ऑर्गेनाइजर में छपने वाले लेख कहीं ना कहीं अपना काम कर गए। मोदी का परिवार अब ये टैगलाइन भी हट गई। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की चुनाव होना है या पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा नियुक्त होना है, संघ का रोल इसमें क्या होगा? चर्चा यह है कि संघ ने यह पूरा काम अपने हाथ में ले लिया है। संघ जो अब करने जा रहा है वो ये है कि सरकारी योजनाओं, मतलब खासकर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, इसके लिए एक संगठन पे समिति बनेगी जो इसकी समीक्षा भी करेगी और इसमें सजेशन भी देगी। संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा। जो पुराने लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो रबर स्टैंप नहीं बन सकते, जो अपना खुद का आकलन भी संसदीय बोर्ड के मीटिंग में रखने के औकात रखते हैं, ऐसे लोगों को संसदीय बोर्ड में लाया जाएगा। ये जो प्रोफेशनल एजेंसियों से सर्वे करवाकर करोड़ों रुपए लुटाए गए और उस सर्वे की रिपोर्ट पे टिकट दिए गए या टिकट काटे गए, या फिर जो चुनाव समिति है उसका ही फीडबैक अंतिम माना गया, ये सारी प्रथाएं बंद होगी। जो पुरानी प्रथा थी कि जिले के लेवल से संगठन की तरफ से नाम आता है, राज्य इकाई उसको अनुमोदित करती है और फिर केंद्र पे आती है, यदि कोई नाम या टकराव होता है या दो नाम होते हैं तो ऊपर तक आते हैं, नहीं तो एक सिंगल नाम ही ऊपर आके वो टिकट फाइनल होता है, जो पुरानी परंपरा थी वही शुरू होगी। अभी वर्तमान में 7 महासचिव है, उसमें से 5 बदले जाएंगे। ये एस सर वाले के घर बिठा दिया जाएगा। प्रदेश में जो संगठन है उनमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन रखने का प्रयास होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति का बात करती है, शक्ति बोलने पे आहत होते हैं और फिर कहते हैं कि शक्ति माने देवियां हैं और वो हमारी मिल्कियत है, बाकी राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया,
बहुत सारी बातें हमने चुनाव में सुनी, लेकिन वास्तविकता महिलाओं के साथ क्या होता है, कितनों को टिकट दिया गया, ये भी हमें पता है। ये सिर्फ बोलने के लिए और चुनाव के रणनीति के अनुसार महिलाओं की मदद प्राप्त करने के लिए ये सारी बातें थी। वास्तविकता में महिला सत्ता से कोसों दूर है। नड्डा जी के 38 लोगों के टीम में 5 उपाध्यक्ष और 4 सचिव महिला है, महासचिव एक भी नहीं। मुझे याद है जब खुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो सुमित्रा महाजन महामंत्री हुआ करती थी, जो बाद में लोकसभा की स्पीकर भी बनी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति में संघ से आए हुए लोगों को तवज्जो दी जाएगी कि जो कैडर के लोग हैं, ये जो बाहर के लोग आते हैं इनका एक अनुपात होगा। वर्तमान में हमने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो कल तक राष्ट्रवादी में थे, महाराष्ट्र में महिला है वाग मैडम, वो कल तक राष्ट्रवादी में थी, वहां से झगड़े होके बीजेपी में आ गई और तुरंत राष्ट्रपति कार्यकारिणी में आई, देवेंद्र फडणवीस जी की कृपा। ऐसी कई कृपा करने वाले जो लोग थे उन्होंने राष्ट्र कार्यकारिणी को भी डायल्यूट किया, वहां पे भी एक संतुलन बनाना चाहिए। सरकार केंद्रित संगठन या कैडर केंद्रित नेतृत्व, यह टकराव है। 2014 तक कैडर केंद्रित नेतृत्व भाजपा में था, 2014 के बाद शैने शैने 2024 तक सरकार केंद्रित संगठन हो गया। संगठन जैसा कि मैंने कहा, सरकार के दरबार में गुलाम बन के हाथ जोड़ के खड़ा होता था। कई योजनाएं हैं जैसी उज्ज्वला, आयुष्मान, श्री अन्न योजना, सरकारी योजना के ही भोपू बन के संगठन घूमता रहा। संगठन का अपना कार्यक्रम जैसा तिरंगा यात्रा, गंगा बचाओ अभियान, ये सब दुर्लक्षित हुआ। इसका भी खामियाजा इस चुनाव में भरना पड़ा। जब कैडर को काम नहीं होता तो कैडर ढीला पड़ता है, कैडर निरुत्साहित हो जाता है। उसे उत्साहित रखने के लिए और लगातार उसको एक्टिव रखने के लिए उनके लिए काम होना चाहिए, उनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए, सभा, सेमिनार, विरोध प्रदर्शन, सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा करना, वो तो गांव तक पहुंची कि नहीं, ये तमाम बात कैडर कर सकता था, लेकिन कैडर से करवाया नहीं गया। जब भी होता था आयोजन तो मन की बात प्रधानमंत्री की पूरे पार्टी को लगा दिया जाता था कि गांव-गांव सारे पदाधिकारी इकट्ठा होकर गांव वालों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुने, और प्रधानमंत्री कभी बच्चों को पढ़ाई के बारे में सिखाते थे तो कभी क्या क्या बात करते। प्रधानमंत्री की मन की बात अपने जगह पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी जन की बात नहीं सुनी। यही कारण है कि पार्टी सिर्फ रबर स्टैंप ही पैदा हो गए, या सरकारी भोपू पैदा हो गए, या चरण वंदना करने वाले भट्ट पैदा हो गए। पार्टी में अपनी बात रखने के लिए या सरकार कहीं गलत है तो उसको रास्ते में लाने के लिए जो संगठन का एक अंकुश होता है वो निरंकुश हो गया था। इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है कि बात होने लगी, और राजनाथ सिंह जैसे लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए वो 29 के बाद भी मोदी जी के ही नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ेगी, ये घोषणा कर गए। उनकी इस घोषणा में संगठन की दयनीय स्थिति देखी जाती है, ये तो संगठन तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन राजनाथ सिंह जिन्हें पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था मोदी जी केंद्र में आने के पहले से, उन राजनाथ सिंह को सत्ता में रहने के लिए इतना नीचे गिरते हुए भी हमने देखा। ऐसे कई बातें हैं जो 2014 से लेकर 24 तक हो गई, लेकिन सवाल यह है कि जो बात आज संघ कर रहा है, जो संघ ने आज करेक्शन के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए, वो 2014 से 24 तक क्यों चुप रहा? 2019 के बाद जब लगातार सरकारें गिरती रही, बाहरी लोगों को पार्टी में लाते गए, भ्रष्टाचारियों को सर पे बिठाते रहे और उनको सत्ता में भागीदारी देते रहे, तो संघ मौन क्यों था? क्या संघ भी मोदी से डरा हुआ था? आज संघ बोल पा रहा है क्योंकि मोदी जी चुनाव हार गए हैं, 240 पे आ गए हैं। यदि मोदी जी इस बार 300 पार आते तो शायद संघ को भी अपने कब्जे में लेते। मैं कई बार पहले भी कर चुका हूं, यदि मोदी जी इस बार 300 पार आते, भारी बहुमत से आते और एनडीए 400 पार होती, तो फिर संघ पर भी रिसीवर बैठना तय था और किसी गुजराती को लाके
सरसंघ चालक बना के। संघ ने इस बात को भाप लिया था, इसलिए वेट एंड वॉच हो रहा था। 240 में भाजपा आई, इसमें संघ का भी योगदान है। धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही है, कैसे संघ के दिए हुए नामों को काटा गया, कैसे अमित शाह जी ने अपने ही मर्जी से टिकट बांटे और फिर मोदी के नाम पे चुनाव जीतने का प्रयास किया, राम के नाम पे चुनाव जीतने का प्रयास किया, और जब बुरी हार हुई तो अब सर ढूंढे जा रहे हैं ठिकरा फोड़ने के लिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, तो राजस्थान में कोई और, तो यूपी में कोई और। लेकिन ठिकरा तो फूटना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने पार्टी का ये हश्र किया, जो पार्टी एक समय पूरे भारत में कैडर केंद्रित नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, वो सरकार केंद्रित संगठन के लिए जाने जाने लगी। क्या भाजपा इतना बदलाव कर पाएगा? क्या संघ भाजपा से ये बदलाव करवाएगा? ये तो आने वाला समय देखेगा, लेकिन अभी फिलहाल अपनी सरकार बचाने के लिए और सत्ता बचाने के लिए भाजपा को कम से कम इस बात को मानना पड़ेगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। संघ की भूमिका पिताजी की जगह पे है, वो अभिभावक है, भाजपा का पितृ संस्थान है। उसको अब बेटा यदि गलत रास्ते पे भटकता है तो उसको लाने का काम उनको करना होगा, और वही चाबुक अब नागपुर से चलने लगा जिसकी गूंज पूरे भारत में आने लगी। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में है, आने वाले चुनाव हरियाणा में है, झारखंड में है। क्या इन जगहों पे बाहर से आया राम गया राम जो लोग हैं, क्या उन्हें तवज्जो मिलेगी? ये सवाल है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति आघाड़ी यानी एनडीए गठबंधन, जिसमें अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है और भाजपा है, ये साथ में जाएगी या अजित पवार को वहां ड्रॉप किया जाएगा? ये कई चीजें, क्योंकि संघ की जो नई संघ जो नई बात लाने की बात कर रहा है, या संघ जो पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है, उसमें अजित पवार की जगह नहीं है। उसमें मोरवड़िया को वहां पे गुजरात में भी मंत्री पद में जगह नहीं मिलेगी। चुनाव के पहले 5 लोगों को गुजरात में भाजपा में शामिल किया गया, जबकि भाजपा के पास अपनी बेहतरीन बहुमत है गुजरात में, इसके बावजूद भी कांग्रेस के 4 और एक अपक्ष को इस्तीफा देकर बाई इलेक्शन में चुनाव लड़वाया गया। वो सब जीत तो गए, लेकिन क्या मोरवड़िया जो को मंत्री बनाया जाएगा? और यदि कांग्रेस के सालों अध्यक्ष रहने वाले मोरवड़िया बीजेपी के भी राज्य में मंत्री बनते हैं, तो फिर क्या बीजेपी का कार्यकर्ता दरिया उठाने के लिए ही काम करेगा? सबकी नजर गुजरात पे भी है, आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में भी है। जो आया राम गया राम पार्टी में आए, यदि आप 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें, तो करीब करीब जितने टिकट बांटे गए थे उसमें 69% लोग चुनाव हारे हैं। 110 लोगों को, बाहरी लोगों को टिकट दिए गए लोकसभा में, जो बाहर के राजनीतिक दलों से बीजेपी में प्रवेश कर चुके थे। 110 में से 69 लोग चुनाव हारे हैं। ये 69% का करीब करीब 70% का आंकड़ा है। ये भी भाजपा को समझना होगा कि यदि आप किसी को टिकट देते हैं तो क्या कैडर या आपका कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा रहे? क्योंकि लड़ाई वो लड़ता है, पुलिस कैसे सोचता है, डरे वो झेलता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो एयर कंडीशन चेम्बर में बैठ के चलते हैं और एक दूसरे के गले में गमछा डालकर उनको सदस्यता देते हैं, लेकिन क्या पार्टी के बाकी सदस्य उन्हें एक्सेप्ट करते हैं क्या? ये अहम सवाल है। कम से कम 2024 के नतीजे तो ये दिखा देते हैं कि दिल्ली ने लिया हुआ निर्णय कैडर ने पलटा दिया। कैडर संगठन ने अपनी जगह दिखा दी। इन आत्म केंद्रित दो नेताओं को इसलिए अब नए अध्यक्ष के साथ नया पार्टी का पूरा फॉर्मेट सामने आएगा, और वो फॉर्मेट क्या होगा वो बहुत जल्दी आएगा। अध्यक्ष कौन बनता है इसमें भी है, क्या वो फिर इन दो गुजरातियों का रबर स्टैंप होगा या उसमें संघ का भी कंट्रोल होगा? नाई नाई बाल कितने, बहुत जल्दी ही सामने नाम आएगा, क्योंकि नड्डा जी अब मंत्री बन चुके हैं और उनका कार्यकाल भी जून में समाप्त है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।